शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों ना हो जाए, झगड़े इस घर में खत्म नहीं होंगे। कुछ तो करना होगा इस परिवार में दरार लाने के लिए। हाँ, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? कीर्ति, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। क्या मतलब है आपका? कीर्ति, घर का राशन खत्म हो गया है और तुझे खबर तक नहीं है इस बात की, और ना ही इस बारे में तूने मुझे बताना जरूरी समझा एक बार भी। शुक्र है दीदू ने हमारी फोन पे बात नहीं सुनी। अच्छा, तो अब आप हमारे घर में जासूसी भी करने लगी हैं? हाँ, क्यों, क्या बताना चाहती हैं आप सबको कि हमें ध्यान नहीं है? क्यों सबके सामने हमारा तमाशा बनाती रहती है हमेशा दीदू? ये क्या कह रही है तू? मुझे तुम सबकी चिंता है कीर्ति, और तुझे पता भी है घर में खाने तक को कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? कियारा अंदर सो रही है और आप दोनों यहाँ बाहर झगड़ा कर रहे हैं जोर जोर से। माँ, आप ही ने कह दीजिए कि हमारे घर के मामले में ना ये ना घुसे। इनका खुद का घर है ना, तो अपना घर देखिए जाके, हम संभाल लेंगे। किस्मत वालों को श्रद्धा जैसी बहन मिलती है कीर्ति। काश यही बात मैं श्रद्धा को भी कह पाता। क्या कहना चाहते हो तुम? श्रद्धा यहाँ खाना देकर तुम्हारी गलती सुधारने आई थी, ना कि गिनाने। पर गलती तुम्हारी भी है श्रद्धा, जो तुम इसके लिए सबके लिए इतना सोचती हो। चलो, आखिर क्यों करती हो इनके लिए ये सब जब उनके मन में कोई इज्जत ही नहीं है? क्योंकि मैं उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती हूँ अभय। मैं जानती हूँ कि आज पूरे घर पे दुख के बादल मंडरा रहे हैं, पर मुझे उम्मीद है कि कल फिर से पूरे परिवार पे खुशियों की बारिश होगी। अरे वरुण, वरुण बेटा। क्या हुआ मम्मी? बेटा ये देखिए ना, ऐसे तो हम किचन में कुछ भी नहीं बना पाएंगे। मैंने प्लम्बर को बोला तो था, अभी तक आया नहीं, पता नहीं, मैं एक बार फोन कर लेता हूँ उसे। हाँ, खराब हो गया। वरुण जी, वरुण जी, वो प्लम्बर आया लेके देखने। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, दो तीन दिन से बहुत पानी टपक रहा है, कुछ भी करके इसे ठीक कीजिए बस। सीढ़ी मिलेगा क्या? एक सेकेंड, ये लीजिए आराम से। क्या हुआ, कुछ समझ में आया कि? ऊपर क्या बाथरूम है क्या? हाँ, ये बाथरूम के पाइप में लीकेज हो रहा है, इसी वजह से पूरे किचन में सीलन आ गया है। बाथरूम तोड़ के पाइप ठीक करना पड़ेगा। आप लोग ऊपर वालों से बात कर लीजिए ना। अरे ताई जी, आइए ना, हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ये सही तरीका है आपका दीदू, हम अपना खाना पीना चाय पानी सब यहाँ पे करें, ताकि जिंदगी भर ना आपके एहसान के नीचे ही रहे। कीर्ति, क्या हो गया है तुझे? हर बात पे तेरा मूड इतना क्यों खराब रहता है? क्या है ना बेटा, आपके बाथरूम में से शायद कोई पाइप लीक कर रहा है, और उसकी वजह से हमारी रसोई की छत पे सीलन आ गई, और वहां से गंदा पानी रसोई में टपकता रहता है। तो प्लम्बर ने बोला है कि बाथरूम तोड़कर पाइपलाइन ठीक करवानी होगी। भाभी,
हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खर्च करते रहें और चीजें तुड़वाते और जुड़वाते रहें। अच्छा, तो अपने महंगे इलाज के लिए तो आप बहुत सारे पैसे खर्च कर रही हैं। कीर्ति, ठीक है पाइप मैं ठीक करवा दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मम्मी जी से ऐसे बदतमीजी से बात करें। अरे हमने कह दिया ना, हम खर्च नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। पर मम्मी जी, ताई जी तो बस यहाँ। अभय ने हमारा महंगा इलाज अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से की है, इनके पैसों से नहीं। और ये खर्चा हम अपनी मर्जी से करेंगे, इसीलिए पाइप का कोई काम हम नहीं करवाने वाले हैं। बस तनुजा भाभी, क्या बोल रही है आप? हाँ, जिद के बिना हद होती है। अगर यही चीज आपके साथ हो रही होती तो अब अगर लीकेज यहाँ है जिसकी वजह से नीचे रसोई में तकलीफ हो रही है तो ठीक भी यहीं से करवाना होगा ना। ऋतु, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप ही क्यों नहीं काम करवा देती हैं? वैसे भी आप यहाँ कोई खर्च तो करती नहीं है। बस कीजिए भाभी, आप कभी भी किसी से भी उखड़ करना झगड़ना शुरू कर देती है। अच्छा, और आप क्या करती है? हमेशा तो आप ही लड़ती। बस करो आप लोग, परेशान हो गई हूँ मैं। इस घर में ना रहना जैसे मुश्किल हो गया है, बिल्कुल दिल नहीं लगता अब मेरा। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ताऊ जी के जाने के बाद से ना आप सब लोगों ने ठान लिया है कि हर रोज किसी ना किसी बात पर बस झगड़ा ही करना है। वैसे भी हम खुद देखेंगे कि कैसे क्या करवाना है, किसी के कहने से नहीं करवाने वाले हम। हाँ माँ, चलिए यहाँ से। अरे माना कि दिलीप भाई साहब ने तुम्हें पूरे घर की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पूरे घर में राज करती फिरोगी। मम्मी जी, मैं तो बस बस अब हमें तुम्हारा कोई भी भाषण नहीं सुनना है। रहने दो ना श्रद्धा, तुम भी किसे समझा रही हो? समझाया उन्हें जाता है जिन्हें बात समझने की समझ तो हो, इनकी तरह नहीं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर जंग के तीर की तरह मारती फिरे। अच्छा, जैसे आप तो बहुत समझदार है ऋतु, इसीलिए हमेशा अपनी टांग सब जगह अड़ाती रहती है। भाभी, ये घर हमारा भी आप ऐसे हमें सुनाती ना फिरिए। अच्छा, हम सुना रहे हैं और आप जो हमें इतना कुछ सुनाती हैं उसका क्या? बहुत हो गया भाभी, आप कब से हमें सुनाए जा रही है? अब क्या हो गया? कोई दिन भी ऐसा निकल सकता जब मैं घर आऊं और बहस ना हो रही हो किसी चीज पे। अब क्या किया कीर्ति और भाई ने जो सब परेशान है? वाह बेटा, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है और आते ही तुमने अपने भाई पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हारी ये जो माँ है ना, वो भी तमाशा करने में कम नहीं है। अच्छा, तो अब तमाशा हम कर रहे हैं। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? अभय, वो कीर्ति और ताई जी यहाँ पर आए थे, उनके रसोई में पानी टपक रहा है और वो लीकेज हमारे बाथरूम के पाइप से हो रही है, तो उसी बारे में बात करने आए थे वो। हाँ, तो फिर पूरी बात ये भी बता दो ना कि कैसे हमने मुंह पे ना कर दिया था और लगे हाथ हम चार बात भी सुना दिए थे उनको, वो भी बता दो। मम्मी, बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अगर हमारे घर में लीकेज हो रही है तो हम ही ठीक करवाएंगे ना, आपने मना क्यों किया? हम बाथरूम नहीं तोड़वाएंगे। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो मरम्मत करवाई है। मम्मी, आपको कुछ नहीं करना, मैं करवाऊंगा। अरे तुम दोनों ने ठान ली है क्या, हमारी बात नहीं मानोगे? अरे हमने ना कर दिया है तो उसकी इज्जत नहीं करोगे तुम लोग? मम्मी जी, आप बात समझ नहीं रही हैं। ऐसे पाइप का लीक होना हमारे लिए भी ठीक नहीं है। अगर ऐसे पानी टपकेगा तो फिर हमारे दीवार पे भी सीलन होगी, फर्श पे भी सीलन होगी और ये अच्छा नहीं है। हाँ, और दीवारों से सीलन बढ़ते बढ़ते छत तक पहुंच जाएगी। अब क्या पता किसी रात आप मीठी नींद में सो रही हो और छत आपके ऊपर ही गिर जाए। नहीं नहीं नहीं, अब लेकिन हम प्लम्बर से बात करके ही कोई फैसला लेंगे, ऐसे ही कुछ नहीं करवा देंगे। हाँ हाँ, मैं प्लम्बर को फोन कर लेती हूँ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।